हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको पूरी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और पूरी को हम अक्सर घर में बनाते रहते हैं। पूरी को हम किसी भी फेस्टिवल के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बनाते हैं। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी बनाना। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूँ का आटा, थोड़ा सा नमक, घी और पानी। आप चाहे तो पूरी के आटे में नमक ना डालें, लेकिन नमक डालने से पूरी का स्वाद और बढ़ जाता है। आप चाहे तो घी की जगह रिफाइंड में भी बना सकते हैं पूरी को। तो चलिए सादी पूरी बनाना शुरू करते हैं। तो आटे में अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से इसे गूंदना है। अब बचे हुए आटे को भी थोड़ा सा पानी लेके बिल्कुल इस तरीके से सारे आटे को समेट लेंगे। पूरी का आटा थोड़ा टाइट ही गूंदा जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के हथेलियों की सहायता से आटे को अच्छे से मसल के गूंदना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए आटे का डो रेडी हो गया है। अब हाथ में थोड़ा घी लेके आटे के चारों तरफ लगा देंगे। अब आटे को ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे के पेड़े तोड़ लेते हैं पूरी बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे स्मॉल साइज के पेड़े तोड़ लेंगे। पूरी छोटी बड़ी आपको जैसी पसंद है आप अपने हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे पेड़े तोड़ लिए हैं। अब इस तरीके से सारे पेड़े को बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब डस्टिंग के लिए थोड़ा सा आटा ले लेंगे। आप चाहे तो सूखे आटे की जगह घी लगाकर भी पूरियां बेल सकते हैं। आप डस्टिंग करके बिल्कुल इस तरीके से पूरियों को बराबर बेल लेंगे। पूरी छोटी बड़ी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज की पूरी बना रही हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से एक साइज में सारी पूरियों को बेल लेंगे। तो देखिए मैंने एक साइज में सारी पूरियों को बेल लिया है। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें घी डाल देते हैं और इसे अच्छे से गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है। अब इसमें छोटे से आटे का टुकड़ा डाल के चेक करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से सिक रहा है। अब इसे निकाल देते हैं। यानी कि पूरी बनाने के लिए घी अच्छे से गरम हो गया है। तो चलिए पूरी बना लेते हैं। अब इसमें डालेंगे पूरी और इसे बीच से प्रेस करते हुए फुलाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो देखिए कितने अच्छे से पूरी फूल रही है और ये एक साइड से सिक भी गया है। अब इसे पलट लेते हैं। पूरी बनाने के लिए घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी अच्छी पूरियां बनती हैं। पूरी सिक रहा है तो हम दूसरी पूरी डाल देते हैं और इसे भी बीच से प्रेस करके फुलाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। अब इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाए। तो देखिए कितने अच्छे से सारी पूरियां फूल रही हैं। इसी तरह हम सारी पूरियां बना लेंगे।
और घी ज़्यादा गर्म लगे तो कुछ सेकंड के लिए गैस को लो पे कर दें। तब पूरी बनाए पूरियाँ अच्छी बनेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों साइड से सेक ले पूरियों को। लाइट कलर या डार्क, आपको जैसी पूरियाँ पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ऐसी डार्क कलर की पूरी पसंद है। पूरियाँ दोनों तरफ से सिक रही हैं, तो इसी तरीके से मैंने सारी पूरियाँ बना लिया है। तो सारी पूरियों को निकाल के मैंने टिश्यू पे रख लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए गर्मा गर्म सारी पूरी बनकर तैयार है। तो देखिए सारी पूरियां कितने अच्छे से फुली फुली बनी हैं। इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए तभी अच्छे से पूरियां फूलती हैं। जैसे कि आटे को अच्छे से गूंदना चाहिए और पूरी के लिए आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से फुली फुली पूरियां बनेंगी। और आप इसे आलू मटर की सब्जी के साथ या फिर अपने मन पसंद सब्जी के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आप लोग को आलू मटर सब्जी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पूरी बनाने की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।